पिछले एक हफ्ते से सिर्फ मराठी चिल्ला रहा है। ये भोसले काका अपना साथ देंगे काका? कब मम्मी? हाँ सर। व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, देवाशीष मखीजा के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने एक लंबी यात्रा तय की है एक फिल्म बनाने की। क्या OTT बेस्ट प्लेटफॉर्म है या फिर फिल्म एक बड़े पर्दे पर रिलीज होती तो और अच्छा प्रदर्शन कर पाती? मेरे ख्याल से ये भोसले तरीके की फिल्म को न्याय जो OTT पे मिल रहा है या मिलेगा वो थिएटर नहीं दे पाता। लेकिन जब जब मैं प्रोड्यूसर लेके आया, उन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो भाग गए। उनको लगा कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, को मार पड़ेगी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो भाग गए। जिनको स्क्रिप्ट से प्यार है, जिनको परफॉर्मेंस से प्यार है, जिनको अच्छी फिल्मों से प्यार है, जो दर्शक शिकायत करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनाते लोग, ऐसे लोगों के लिए भोसले आ रही है 26 जून। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। जन की बात पे आज ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलाने वाले हैं जिसका नाम काफ़ी है, बस आप नाम लीजिए और एक चेहरा बनाता है बहुत सारे किरदारों का। जी, इनका नाम है मनोज वाजपेयी। बहुत सारे चेहरे बन चुके होंगे आपके दिमाग में। इनकी एक फिल्म आ रही है भोसले, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, करीबन 2 साल के बाद सोनी लाइव पे 26 जून को, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। सर, क्या है भोसले? भोसले एक 64 साल का आदमी जो रिटायर्ड कॉप, जो अपने अकेलेपन से जूझ रहा है, जो बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं चाहता है, बस उसे ड्यूटी चाहिए, लेकिन ड्यूटी भी वो अब नहीं रही क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, और उस फ्रस्ट्रेशन में, उस मिजरी में वो जी रहा है और उस अपने जीवन की मोनोटोनी से जूझ रहा है। एक ऐसा आदमी, बहुत ही वाइज आदमी है, दुनिया में जो अन्याय है उसको बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन उसी के साथ साथ एक अजीब सा विरोधाभास उसमें है कि वो दुनिया से उसको कोई लेना देना भी नहीं है। वो अपने कमरे में बंद रहना चाहता है, किसी से उसका सबसे कटा हुआ आदमी कैसे हो? और फिल्म की कहानी ऐसी है कि कैसे ऐसा आदमी जो मैक्रिन वर्सेस लोकल का जो हंगामा चल रहा है उस चौल में, वो कैसे इस पूरे के पूरे हंगामे, उस हंगामा जो है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, कैसे उसकी उसको एक पर्पस देता है, एक गोल देता है, एक मुद्दा देता है ताकि वो अपने जीवन को ज़्यादा मीनिंगफुल बना पाए। इस फिल्म को देवाशीष जी ने डायरेक्ट किया, ये इनकी दूसरी फिल्म है। इस फिल्म का जो सफ़र है बहुत लंबा है, करीब 10 साल। जब उनकी पेन चलना स्टार्ट हुई थी, करीब 10 साल हो चुके। 2011 में लिखनी स्टार्ट हुई थी, 15 में ख़त्म हुई, 18 में फिल्म बन के रिलीज हुई और 2 साल के बाद रिलीज हुई। इतना लंबा सफ़र क्यों? 2014 में वो मेरे पास आए थे और उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि मैं उनको एक प्रोड्यूसर ला के दूंगा। लेकिन जब जब मैं प्रोड्यूसर लेके आया, उन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो भाग गए। उनको लगा कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, उनको मार पड़ेगी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो भाग गए। उसके बाद फिर हमने शॉर्ट फिल्म बनाई बीच में, इंतज़ार करते करते फिर कुछ लोग मिले, अभी मूवीज़ वाले मिले, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे। तो वो लोग थोड़ा बहुत पैसा लेके अपने अपने लोगों से लेके आए, एक दो लोगों से, लेकिन 11वें दिन की शूटिंग के पैसे नहीं थे हमारे पास। तब मैंने लोगों को फ़ोन मिलाना शुरू किया, कहीं से पैसा नहीं मिला। तब मैंने संदीप को फ़ोन किया था कि संदीप, हमें ज्वाइन कर जाओ, या तो ज्वाइन कर जाओ या फिर जो ये कोशिश कर रहे हैं फिल्म को बनाने की, इनको कर्जा दे दो। तो ये इसने अगले दिन ही पैसा भेजा दिल्ली से, और उसके बाद हमारी शूटिंग जारी रही। तो फिल्म ख़त्म करना, फिल्म को बनाना, फिल्म की शूटिंग तक पहुंचना, एक लंबी यात्रा रही है। तो आज जब फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है, हमारे लिए, व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, देवाशीष मखीजा के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने एक लंबी यात्रा तय की है एक फिल्म बनाने के लिए। तो ये जो देख रहे हैं आपके दर्शक, वो ये समझ लें कि फिल्म में काम करना, फिल्म में बनाना अपने मतलब की, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत धैर्य, बहुत ज़्यादा मेहनत, और इसे कहें परसीवरेंस। तो आप कह सकते हैं ये जिनको स्क्रिप्ट से प्यार है, एक्टिंग से प्यार है, वो ज़रूर देखेंगे। जिनको स्क्रिप्ट से प्यार है, जिनको परफॉर्मेंस से प्यार है, जिनको अच्छी फिल्मों से प्यार है, जो दर्शक
शिकायत करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनाते लोग, वो ऐसे लोग, ऐसे लोगों के लिए भोसले आ रही है 26 जून को, इसके बाद शिकायत दी जाएगी। संदीप जी, एक आपसे भी क्वेश्चन है, बहुत से प्रोड्यूसर को जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने ढूंढा लेकिन बहुत लोगों ने ना कह दिया इतने अच्छे स्क्रिप्ट के साथ भी, फिर आपका मन कैसे किया इस फिल्म के? बहुत बड़ा कंटेंट है, मनोज जी ने फ़ोन किया, मनोज जी अगर फिल्म कोई कर रहे हैं, जो आदमी 50 स्क्रिप्ट पढ़ के एक स्क्रिप्ट ओके करता है तो कुछ ना कुछ तो बात है, तो जब ये ओके करते हैं तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। मनोज जी, आपका भी इसमें पैसा लगा, ये कितनी सच्चाई है? नहीं देखिए, इसमें मैंने एक फिल्म इसके पहले को प्रोड्यूस की थी, मिसिंग, तब्बू के साथ में, मैं और नीरज पांडे को प्रोड्यूसर्स थे। देखिए, ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपना त्याग करना पड़ता है। जो पैसा मुझे मार्केट में ऐसी फिल्मों के लिए मिलता है उससे मैंने पैसा कम कर दिया, एक तो वो मेरा स्टेक हो जाता है, प्लस इस पूरे के पूरे फिल्म को सेटअप करने में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा मुझे भी क्रेडिट उसका मिलना चाहिए। तो सबने डिसाइड किया कि वो मुझे को प्रोड्यूसर का दर्जा देंगे, और अगर फिल्म ने पैसे बनाए, अगर तो ₹2 कुछ अगर मेरे हिस्से आएगा तो दे देंगे। फिल्म तो जरूर बनाएगी सर, हमारी दुआ है ये कि बहुत अच्छा कलेक्शन करे। सर एक और चीज़, अगर किसी ने तांडव शॉर्ट फिल्म देखी होगी, क्योंकि तांडव के जरिए ही इस फिल्म की एक पटकथा दिखाने की कोशिश की गई थी, तो कितना अलग है, अगर किसी ने देखी होगी तो इससे सिंक्रनाइज तो नहीं है? वो कहानी अलग थी, ये कहानी अलग है, उसमें वो उसमें भी हवलदार था, लेकिन वो एक 40 साल का आदमी था, 35 साल का आदमी था, ये आदमी 64 का है, तो कहानी अलग है। वो एक तरीके से हमने भोसले को एक जिसे कहें ट्रिब्यूट दिया था शॉर्ट फिल्म के जरिए, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे थे, हमने सोचा कि एक शॉर्ट फिल्म कर लेते हैं, कोई प्रोड्यूसर तो मिले। उसी ने बहुत कुछ अपने नाम कमाया, बहुत बहुत कुछ, तांडव ने अपने लिए तो बहुत नाम कमाया, बहुत ज़्यादा नाम कमाया। स्टोरी तो अलग ही है, एकदम अलग है। OTT पे आ रही है लगातार, OTT पे प्लेटफॉर्म पे जितनी आजकल जो युवा देखती आ रही है उसमें एक्शन बहुत होता है, एक्शन, डायलॉग, गालियाँ, थोड़ा सा सेक्स, तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो हटके है भोसले, तो लगता है क्या OTT बेस्ट प्लेटफॉर्म है, या फिर फिल्म एक बड़े पर्दे पर रिलीज होती तो और अच्छा प्रदर्शन कर पाती? मेरे ख्याल से ये भोसले तरीके की फिल्म को न्याय जो OTT पे मिल रहा है या मिलेगा वो थिएटर नहीं दे पाता। थिएटर में रिलीज़ करना, सबसे पहले तो थिएटर में रिलीज़ करना, करने में ही नाकों चने चबाने पड़ते, वैसे हम रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन अगर थिएटर में रिलीज़ हम करने वाले थे, इन लोगों का एक्स्ट्रा पैसा लगता उसमें, और ज़्यादा पैसा लगता, और फिर उसको रिलीज़ करना, उसमें एग्जीबिटर से शोज़ लेना, एग्जीबिटर को जो फिल्म जो सिनेमा हॉल से उनसे सही शोज़ लेना, सही टाइमिंग लेना, वो एक हफ्ते में ना उतार दें इसकी कोशिश करना, बड़ी माथापच्ची है भोसले के तरीके की फिल्मों को रिलीज़ करने के लिए। हमारे कंट्री में स्मॉल फिल्म, इंडिपेंडेंट फिल्म को रिलीज़ करना बहुत मुश्किल होता है, उनको न्याय नहीं मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर से और एग्जीबिटर से। तो जो स्क्रिप्ट बेस अभी फिल्में लगातार आ रही है और आप जैसे एक्टर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या अभी भी लग रहा है कि अभी आने वाला जो साल है वो बड़े स्क्रीन पे इन फिल्मों की जगह मिलना भी मुश्किल ही लग रहा है? देखिए, जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति रहेगी तब तक हर फिल्म स्ट्रगल करेगी, चाहे वो इंडिपेंडेंट फिल्म हो चाहे बड़ी फिल्में हों, बहुत स्ट्रगल करने वाली हैं। लॉकडाउन खुल जाएगा, एक बार सही दवाई आ जाए, जब दवाई आ जाएगी जिससे कि हमको इन्फेक्शन ना हो। लेकिन सर, स्क्रिप्ट को पसंद करने वाली दवाई कब आएगी? क्योंकि ऑडियंस बहुत लिमिटेड हो जाती है जब भी स्क्रिप्ट बेस्ड फिल्म बनती है, तो ये दवाई तो बहुत मुश्किल से आने वाली है। वो OTT ना एक बड़ी अच्छा डेमोक्रेटिक मीडियम है, जब आप उसको प्रमोट करते हैं और उसके बारे में लोगों को बताते हैं अच्छे ढंग से, जैसे कि भोसले का प्रोमो जिस समय से आया है, ट्रैक कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, आप भी जानते हैं, आप लोग वेबसाइट पर काम करते हो, आप जी जानते हो कि भोसले जो है बहुत अच्छा ट्रैकिंग कर रही है, भोसले को लेकर के लोगों की अपेक्षाएं, लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो लोगों की मतलब की हो चाहे नहीं हो, लेकिन लोग एक बार देखेंगे ज़रूर, जब एक बार देख करके वो अपने लिए फैसला लेंगे तो ये अपने आप में बड़ा डेमोक्रेटिक हो जाता है। नहीं तो कोई क्रिटिक लिखेगा, उसकी पसंद कुछ और होती है, फिर उसके बाद बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन शुरू हो जाते हैं, फिर पता चला कि आपने फिल्म की क्वालिटी से ज़्यादा उसने कितने पैसे कमाए उसके आधार पर बताना शुरू करते हैं कि फिल्म अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो उस सारे माफिया से हम निकल करके एक
बहुत ही डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पे आए। आपका अनुभव ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 2019 से शुरू हो चुका है, द फैमिली मैन, उसके बाद मिसेस सीरियल किलर, दोनों में से अनुभव आपका किस में अच्छा लगा? बीइंग अ ऑडियंस आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी है? कंटेंट अगर अच्छा होगा तो दर्शक जो है वो खुद ही आपका प्रमोटर हो जाएगा, वही आपकी फिल्म को आगे लेके जाएगा। और हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से 1971, फैमिली मैन, मिसेस सीरियल किलर ने लोगों के बीच में जो जगह बनाई, मैं आशा करता हूँ उससे भी आगे जाकर के वो भोसले को खुद ही आगे लेकर के जाएंगे, और इतना आगे लेके जाएंगे इसकी इसके पहले इंडिपेंडेंट फिल्म कोई गई नहीं हो, ये मैं आशा करता हूँ। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का एक छोटा सा अंश दिखाने का कोशिश किया है आपने, बिहार में भी लगातार प्रवासी मजदूर बहुत से गए हैं, क्या लगता है ये जो फिल्म अभी दिखाई जा रही है, इसमें जो स्टोरी दिखाई जा रही है, उससे ज़्यादा अभी जो हालात है वो कितना बदला है? क्योंकि लगातार हम खबरें सुनते थे महाराष्ट्र में कि किस तरीके से उत्तर भारतीयों के साथ जो जिस तरीके से व्यवहार होता था, कितना बदला है ये फिल्म, कि सवाल छोड़ रही है क्या, कोई जवाब दे रही है फिल्म? बहुत सारा जवाब दे रही है। अच्छा। ये फिल्म जवाब देती है ज़्यादातर। अच्छा, ये फिल्म जो सवाल उठे थे एक समय पे महाराष्ट्र में या मुंबई में एक सवाल उठाया गया था, और एजेंडा वालों लोगों ने जो उठाया था उनको ये फिल्म जवाब देती है, और अपने तरीके से बहुत ही सॉलिड आंसर मिलेगा आपको। इसीलिए ये फिल्म बड़ी अनोखी फिल्म है, इसीलिए ये फिल्म बहुत ही यूनिक है उस मामले में। ये फिल्म जब आप देख के निकलेंगे तो आप दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को समझ पाएंगे और एक्चुअली समझ पाएंगे कि समस्या है तो कहाँ है। मेरा प्रश्न सवाल है, आपने कॉस्ट कटिंग करने के लिए इस फिल्म में बहुत सारे रियल जो सीन थे, जो रेगुलर सीन हुआ करते, उससे आपने शूटिंग किया है, शूट नहीं किया आपने, रिकॉर्ड किया मैं कहूँगा, तो उसका अनुभव कैसा रहा आपने? नहीं, जैसे गणपति विसर्जन का था, हम गणपति विसर्जन जब लास्ट डे का होता है लाल बादशाह राजा का, लाखों लोग सड़क पे होते हैं और वो सवारी निकलती है, उसके बीच में हमने सोचा, डायरेक्टर ने सोचा कि वहाँ शूट करेंगे। मैं भोसले के पूरे गेटअप में मैं क्राउड में घुस गया था और वहाँ पे शूट हुआ है। आपको कोई पहचान नहीं पाया? कोई पहचान नहीं पाया, और मैं हमने सारी शूट की है। आप देखिएगा फिल्म, आप समझ जाएंगे। कितनी बार तो लोगों को लगा कि कोई डॉक्यूमेंट, अगर किसी को लगा भी कि शूटिंग चल रही है तो उनको लगा कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा है गणपति का, लेकिन कोई मुझे नहीं पहचान पाया। ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा बड़ी सुकून की बात थी। चलिए धन्यवाद। तो 26 जून भोसले आ रही है, ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको ये स्टोरी अलग सा देख के। प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिस फिल्म को कोई प्रोड्यूसर नहीं ले रहा था, उस फिल्म को बनाने के लिए पूरी मेहनत की गई है, उसके बाद फाइनली 2 साल के बाद ये फिल्म रिलीज हुई है, ज़रूर देखेगा। ये थी जन की बात की पेशकश, धन्यवाद।